चेयरमैन सेनेट के लिए इत्तेहादी कायदे हिजबे इख्तलाफ पर मुखालफ बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कायदे हिजबे इख्तलाफ के लिए दौड़ लग गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शरी रहमान को नामजद किया है तो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने तहफ़ुज़ात जाहिर करते हुए आज़म सवाती का नाम दिया है। PTI सेनेटर आज़म सवाती को कायदे हिजबे इख्तलाफ मुंतखब कराना चाहती है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी बताइएगा, कल तक चेयरमैन सेनेट के लिए एक थे, अब चूंकि कायदे हिजबे इख्तलाफ का नाम सामने आना है तो हमारी राहें अलग अलग हो गई। हाँ जी बिल्कुल, देखें चूंकि जैसा कि आपने कहा, जिस वक्त सेनेट इलेक्शन था उससे पहले जो दो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो वो सेम पेज पर नजर आए और उन्होंने जो मुतफिका उम्मीदवार थे चेयरमैन सेनेट के लिए उनको जो है वो मैदान में उतारा। लेकिन उसके बाद अब चूंकि कायदे हिजबे इख्तलाफ अपोजिशन लीडर सेनेट का कौन हो इस हवाले से भी जो है वो भाग दौड़ की जा रही है और मुख्तलिफ रास्ते किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि इस वक्त जो कायदे हिजबे इख्तलाफ है सेनेट का, उसके नाम के लिए जो है वो दोनों जमातों में एक दरार जो है वो नजर आती है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो शीरी रहमान का को जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने लाना चाहती है, जबकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो कायदे इस पे इख्तलाफ हो वो हमारी जमात से होना चाहिए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत जो क्यादत है वो आज़म सवाती को जो है वो नामजद करना चाहती है उम्मीदवार के तौर पर, और इसके बाद जो आज़म सवाती हैं उन्हीं को वो चेयरमैन कायदे हिजबे इख्तलाफ जो है वो सेनेट के तौर पर देखना चाहते हैं। वलीद, इन दोनों में इख्तलाफात तो सामने आ गए हैं नामों को लेकर, अब तक कोई बीच का रास्ता अपनाया गया हो, कोई ऐसा नाम जो दोनों जिस नाम पर मुत्तफिक हों, कोई बात ऐसी सामने आई है? देखें अभी तक जो हमारे पास इत्तला है ज़राए की जानिब से उसमें तो यही बात सामने आ रही है कि दोनों जमातें जो है वो अपना ही उम्मीदवार जो है वो लाना चाह रही हैं। लेकिन ज़राए की जानिब से इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि अगर दोनों जमातें मुतफिका तौर पर किसी एक उम्मीदवार को नामजद कर दें तो ये मामला हल हो सकता है। लेकिन अगर इस मामले पर जो है वो गौर वौज ना किया गया तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त भी जो है वो अपने जो है वो फैसले पर डटी दिखाई देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस बात पर जो है वो डटी दिखाई देती है कि दोनों जमातों की जानिब से जो है वो अपना अलग अलग उम्मीदवार जो है वो ठीक है। कायदे हिजबे इख्तलाफ कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका वलीद चौधरी।